लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अब हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां बारिश से नुकसान हो रहा है वहां स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश दिए गए और जिन जिन किसानों का नुकसान होगा उनको फसल बीमा योजना और अन्य तरीकों से मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यमुना से जो पानी बह रहा है वो करनाल जिले में है और अगर अगले कुछ घंटों के बाद सोनीपत और पानीपत में होगा, लेकिन इस पानी से अभी तक किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। ये पानी अपनी स्थिति से आगे खेतों में बह रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री को पानीपत, सोनीपत और पलवल के अधिकारियों ने यमुना की स्थिति पर बताया कि उनके जिलों में यमुना खतरे के निशान के आसपास बह रही है। सिंचाई विभाग के और जिला प्रशासन के, उनको सीएम साहब ने निर्देश दिए कि कंटिन्यूअसली वो मौके के ऊपर अपनी विजिल बनाए रखें और किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई लोगों को ना आने दें। आर्मी को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है, उनके पास सूचना है। लोगों से गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें।